इनसीयू एक वर्ब है जिसका मतलब होता है फलस्वरूप होना या परिणाम स्वरूप होना। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई बर्थडे की पार्टी है और अचानक से लाइट चली जाए तो वहाँ इतने सारे लोगों के बीच में अचानक से अफरा तफरी मच जाएगी। तो जो यहाँ पे केओस हुआ, अफरा तफरी मची, वो लाइट जाने के वजह से हुई। तो जो घटना किसी वजह से हो रही हो तो ऐसी घटना के होने के लिए इनसीयू वर्ड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। So the first one is when the lights went out, chaos ensued in the crowded theater. Chaos का मतलब है अफरा तफरी, उथल पुथल। तो जब लाइट्स चली गई तो इसके परिणाम स्वरूप भीड़ भाड़ वाले थिएटर में उथल पुथल हो गई। An argument ensued among the friends after the secret was revealed. सीक्रेट रिवील होने का मतलब है किसी राज का, रहस्य का सामने आ जाना, खुल जाना। तो राज खुलने के परिणाम स्वरूप दोस्तों के बीच एक बहस हो गई। अब यहाँ पे बहस हो रही है राज खुलने की वजह से, इसलिए एनसीयू वर्ड का यूज किया गया है। इसके सिनोनिम्स होते हैं फॉलो, डेवलप एंड रिजल्ट।